हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम रेडीमेड ब्लाउज की फिटिंग करना सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा रेडीमेड ब्लाउज है और यहाँ पर हमारी नेट की बाजू दी हुई है। बाजू हमारी फुल है मगर हमें यहाँ पर हाफ बाजू बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ब्लाउज लिया है, इसी के नाप से हम यहाँ पर ब्लाउज की फिटिंग करेंगे। तो कमर की चौड़ाई हमारी यहाँ पर आ रही है 13.5 इंच और सीने की चौड़ाई हमारी 16 इंच आ रही है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले सीधी तरफ से निशान लगा लेंगे और यहाँ पर हमारे जो नंग और मोती जो लगे हुए हैं तो पहले हम इनको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इस तरह से नंग और जो हमारे मोती हैं इनको निकाल लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको उल्टी साइड में कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद में हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो कमर की हमारी जो चौड़ाई है वो 13.5 इंच है, तो 13.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। और सीने की चौड़ाई हमारी 16 इंच है, तो 16 इंच पर निशान लगाएंगे। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। यहाँ पर दोनों निशान को इस तरह से मिला देंगे। साथ में देखिए कपड़ा हमारा कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करेंगे, ठीक है। दोनों साइड से हम कटिंग करेंगे, ठीक है। तो हमने दोनों तरफ से कटिंग कर लिया है। यहाँ पर हमारी जो आर्मोल की चौड़ाई है वो 8 इंच आ रही है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर नेट की बाजू कटिंग करेंगे। तो नेट को हमें देखिए इस तरह से फोल्ड कर लेना है, ठीक है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, निशान लगा लेंगे इस तरह से। और यहाँ पर हमें 1.5 या 2 इंच का मार्जिन लेना है, तो यहाँ पर भी निशान लगा लेंगे। और बाजू की लंबाई हमारी 4.5 इंच है, तो 5 इंच पर हमें निशान लगाना है। और बाजू की मोरी हम 5.5 इंच रखेंगे, तो यहाँ पर भी निशान लगा देंगे। और यहाँ पर हमें 3 इंच पर निशान लगाना है, यहाँ से बाजू की गोलाई करेंगे। और बाजू की चौड़ाई हम यहाँ पर रखेंगे 8 इंच, तो 8 इंच पर निशान लगाएंगे। तो हमने निशान लगा दिया है, अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया है, अब हम यहाँ पर इसको सिलेंगे। तो बाजू को जो हमने यहाँ पर मार्जिन लिया है, तो इतना हमें फोल्ड करके एक सीधी सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने देखिए इस तरह से सिल लिया है। तो इसको किस तरह से ब्लाउज में सिलते हैं वो आप लोगों को बताएंगे। तो ब्लाउज को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हमारा जो ब्लाउज होता है तो उसमें हमें इस तरह से बाजू सिलनी होती है। और यहाँ पर हमारा जो रेडीमेड ब्लाउज है तो इसमें देखिए इस तरह से बाजू सिलनी होती है, ठीक है। तो बाजू को हमें इस तरह से उल्टी साइड में रखना है और फिर सीधी तरफ से सिलाई लगाएंगे। तो सेम इसी तरीके से हम पूरी बाजू को सिल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक बाजू को सिल लिया है, सेम इसी तरीके से दूसरी बाजू सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरी बाजू को भी सिल लिया है। अब हम यहाँ पर दोनों पल्ले को बराबर करेंगे और साइड फिटिंग करेंगे। तो बाजू की जो हमारी मोरी है वो 5.5 इंच है, तो 5.5 इंच पर हमारा जो निशान लगा है उसी निशान के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। एक तरफ से हमने साइड फिटिंग कर दी है, तो सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी हम साइड फिटिंग कर लेंगे और इसमें हमें डबल सिलाई लगानी है, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने दूसरी तरफ भी सिलाई को लगा लिया है। अब हम इसको सीधा करेंगे। तो इस तरह से हमने रेडीमेड ब्लाउज की फिटिंग कर ली है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये छोटी सी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगी। तो मैं मिलती अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।